हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो के बारे में। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले देखो कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि जैसे एक स्टोन हमने लिया, एक स्टोन को इस ग्राउंड लेवल से हमने एक सर्टेन हाइट पे ऊपर फेंका, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक सर्टेन हाइट के बाद ये नीचे आ जाता है, जैसे कि ये हमारा सन है और इस सन के अराउंड सारे प्लैनेट, अर्थ की मैं बात करूं तो ये अर्थ मूव करता है इस सन के अराउंड। तो जैसे एक और ले लो, और इस अर्थ के अराउंड ये मून हमारा ये भी मूव करता है। ये सबसे पहले मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, तो 1665 में इंग्लैंड में एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जो कि एप्पल का पेड़ था। तो पेड़ से एक एप्पल गिरा, ठीक है, एक एप्पल गिरा पेड़ से। तो उसने सोचा कि ये एप्पल गिरा है तो ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, और अगर एप्पल यहाँ गिरा है तो इस एप्पल को अर्थ ने खींचा है, यानी अर्थ एप्पल ने खींचा है अर्थ को, या अर्थ ने एप्पल को खींचा है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हमने मोशन में ऐसा पढ़ रखा था कि ईच एंड एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई अगर अर्थ खींचेगा तो एप्पल भी खींचेगा, बात तो होना चाहिए। तो न्यूटन सोचा ये अर्थ खींचा है या एप्पल खींचा है, ठीक है। तो ये लगा सोचने, हमारा ये सन है तो सन के अराउंड अर्थ मूव करता है और अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, तो भाई ये खींचा क्यों नहीं जा रहा है। ऐसा है कि अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो जैसे ये एप्पल को खींच लिया अर्थ ने तो मून को भी खींच लेगा, ऐसा वो सोचा। तो ऐसा तो एक्चुअली होता नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक कंसेप्ट की बात करते हैं कि हमने क्या करा, एक यहाँ पे रोप ले लिया, यहाँ पे एक स्टोन को बांध दिया, ठीक है, और इसको हम लगे घुमाने, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ये सर्कुलर पाथ में घूमता है। सर्कुलर पाथ में क्यों घूमता है, तो यानी ये जो है ना, इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी अलग होगा, ठीक है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, इसका अलग होगा, ठीक है। जो फोर्स इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए बोल रहा है, यानी हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग है, ठीक है, तो जो फोर्स इसको सेंटर के अलोंग मूव करने के लिए बोल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कह रहा है कि सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, मतलब सेंटर की तरफ जो है, सो सेंटर सीकिंग इसको बोलते हैं, सेंटर सीकिंग। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको सेंटर के लॉन्ग मूव करवाता है, ठीक है। अभी देखो, तो इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो मून का मोशन है अर्थ के अराउंड, इसी सेंट्री, जैसे देखो यहाँ पे ये हमें है हमारा अर्थ, ठीक है, और इसके अराउंड जो हमारा मून मूव कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में ये मूव करता है, ठीक है। और ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो इसको डायरेक्ट खींच ले। तो अब हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, अभी हमने देखा है कि ग्रेविटेशन को लिखेंगे कि द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन, द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस ऑफ बॉडी। अब देखो कि इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो अट्रैक्शन और एक मासेस ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले जो मास के कारण बॉडी को, जिसमें अट्रैक्शन का फेनोमेनन होता है, मास के कारण, बॉडी के मास के कारण जो अट्रैक्शन होता है, तो उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है,
कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ खींचता है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बोलते हैं। जैसे कि जो अर्थ है हमारा, वो हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि अर्थ में तो मास है, इस ऑब्जेक्ट में भी मास होता है, तो ये अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो अर्थ को भी ये ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचता है। कहने का मतलब है कि ईच एंड एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई ये खींचेगा तो ये भी खींचेगा, तो लेकिन ये जो है इसका मास इस जो भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, नेग्लिजिबल है, तो ये क्या करता है, खींच लेता है अपनी तरफ। चलिए यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ क्या है, देखो बहुत ही आसान है। तो न्यूटन साहब क्या बोले थे कि टू बॉडीज हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर। भाई साहब कि जो दो बॉडी हैं, एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है, न्यूटन ने बोला कि ये जो है ना, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बोले थे। और ये इसका जो टू बॉडी या एवरी बॉडी विच हैज़ मास अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, और इस पे जो फोर्स लगेगा डैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम वन इंटू एम टू, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मास डायरेक्ट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है शैडो की तरह काम करता है, अगर मैं फोर्स बढ़ाऊँ तो ये भी बढ़ेगा, अगर मैं फोर्स को कम करूँ तो ये भी कम करेगा। तो न्यूटन ने बोला था कि जो टू बॉडी हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, और फोर्स इज डायरेक्टली एंड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, और इस दोनों के मास जैसे जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक बॉडी है जो कि है जिसका m1 है और एक बॉडी है जिसका वेट है यहाँ पे m2, मास है सॉरी जिसका मास, दूसरा बॉडी है जिसका मास है यहाँ पे m2, और इस दोनों का बीच का जो सेंटर का डिफरेंस है वो d है, ठीक है। तो ये बोला था जो फोर्स इस पे जितना लगेगा, ये भी इधर से अपना तरफ से फोर्स लगाएगा और ये इधर से अपनी तरफ से फोर्स लगाएगा, तो जो इसमें फोर्स लगता है डैट इज फोर्स है डैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, ठीक है। अब समझ में आया, सबसे सिंपल सी बात है, उन्होंने दो ही चीज़ बोला था कि फोर्स जो होता है ये दोनों के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इसका जो और जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा। भाई साहब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा है, जो ये करेगा उसका ठीक उल्टा ये होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसको, इस दोनों को मिलाएंगे, अब ये देख लो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डाल देते हैं और यहाँ पे ये डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे जी जो है, जी क्या है, ठीक है, यहाँ जी इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, जो कि वैल्यू कितना होता है इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा जो है, इस जी की वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10^-11 होता है। अब इसका यूनिट क्या होता है, यहाँ से हम लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे मैं जी को इस साइड रख लूँ, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो, यानी एफ इंटू डी स्क्वायर बाई एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो फोर्स का जो है सो यूनिट हो गया हमारा न्यूटन, डिस्टेंस क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इसका के जी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हमने क्या देखा है कि जो न्यूटन बाबा थे उन्होंने क्या बोला कि जो दो बॉडी है जिसमें मास है वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फोर्स क्या होता है, डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब इस दोनों को कर दिए तो यहाँ पे एक जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आता है जिससे ये जी की हमने यहाँ तक यहाँ जी की वैल्यू जो है सो क्या होता है 6.6 × 10⁻¹⁷ और जी का जो अगर मैं लिखूँ यूनिट तो क्या हो जाएगा, जी का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग बात करते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या होगा। अब देखिए कि एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, विथ अ फोर्स डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट हो गया न्यूटन्स लॉ का, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये न्यूटन जो बोला था एक चीज़ कि न्यूटन बोला था एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मास। तो अब एक चीज़ हम बताते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे ये कैरम का बोर्ड है और यहाँ पे दो पाइल्स हैं, इसके दो उसके जो पाइल्स हैं ये हैं, तो ये दोनों जो है अगर इसके हिसाब से क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये एक पेन है और एक ये पेन है, अगर मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन इसमें भी मास है इसमें भी मास है तो भाई ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेना चाहिए, कायदे के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि भाई ये दोनों अपना जो है सो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो है, अब देखिए ये और ये दोनों कुछ ना कुछ मास से कुछ ना कुछ इस दोनों के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये फोर्स इतना नेग्लिजिबल है, इतना छोटा है कि ये दोनों अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए कि अगर मैं यहाँ पे ये सेम चीज़ है कि यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे एक लड़का है, तो ये क्या हो जाना, ये क्या हो जाएगा, ये इसको खींच लेगा एक दूसरे में ऐसे ड्यू टू ग्रैव, क्योंकि मास, ये क्या बोला था कि जो दो ऑब्जेक्ट में मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो भाई खींच लेना चाहिए, लेकिन फोर्स तो लगता है लेकिन नेग्लिजिबल लगता है, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या है कि वेरी स्मॉल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्या है कि बहुत ही स्मॉल फोर्स जो है लगता है, सो नो इफेक्ट शोन, यहाँ पे क्या है कोई इफेक्ट शो नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूँ अर्थ और यहाँ मैं बात करूँ मून पे, तो ये यहाँ पे जो है इफेक्ट दिखता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज फोर्स लगता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं सन की बात करूँ और यहाँ अर्थ की बात करूँ तो यहाँ भी दिखता है, तो क्योंकि क्यों दिखता है, क्योंकि इस सब में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा यानी लार्ज फोर्स जो है यहाँ पे एक्ट होता है, सो इफेक्ट दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए कि हमने दो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं, सबसे पहली बात पढ़ी है कि जो फोर्स जो है ना, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या है, F=gm1m2/d², ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जिसमें हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस केस में ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो हमें इसमें सबसे पहला चीज़ देख क्या देखना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और सेकंड चीज़ देखना है डिस्टेंस। तो यहाँ देखो इसका सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस इस दोनों का सेम ही है, प्रोडक्ट देखो ये हो गया आपका प्रोडक्ट 400 kg
और इसका जो है कितना हो गया 100 kg। तो ऑब्वियसली जिसका जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इस केस में ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब इस वाले केस में क्या है कि यहाँ पे जो है तो प्रोडक्ट ऑफ मास कितना हो जाएगा 1000 kg और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 kg। तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं है, दोनों सेम ही है। थर्ड केस में देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मास कितना हो गया 100 kg और ये कितना, इसमें कितना हो गया, इसमें भी 100 kg। प्रोडक्ट ऑफ मास तो सेम ही है, अब बात आ गई डिस्टेंस पे। डिस्टेंस जितना कम क्या है, डैट इज डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। अब जितना कम डिस्टेंस होगा भाई उतना ज़्यादा ये फोर्स लगेगा, तो ये होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों का मास तो सेम है, तो डिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। डिस्टेंस ज़्यादा कम फोर्स, डैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे देखो सेम चीज़ है, ये भी 25 और ये भी 25, तो अब यहाँ पे बात चलेगी डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें कम डिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास टू बॉडी है, एक बॉडी यहाँ है एक बॉडी यहाँ है, जो कि इस दोनों का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। ये इधर से एफ यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये एफ ज़ीरो है और यहाँ भी एफ ज़ीरो है और ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ ज़ीरो इजिकल्स टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट देखो कि अगर मैंने क्या करा है कि इनक्रीज कर दिया डिस्टेंस को टू टाइम्स, यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज बाय टू टाइम्स, अगर डिस्टेंस को हमने टू टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, एफ वन इज इक्वल्स टू जी, ये तो मास तो क्या है सबका सेम ही है, बस डिस्टेंस को हमने क्या किया टू टाइम्स जो है सो इंक्रीज कर दिया। तो ये इसको लिख सकते हैं जी एम वन बाय एम टू बाय फोर डी स्क्वायर। अब ये देखो जो है यहाँ तक ये जो है ये तो हमारा कितना है एफ ज़ीरो है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/4 एफ ज़ीरो, ये जो है 1/4 एफ ज़ीरो यानी एफ ज़ीरो बाई फोर। अगर मैं डिस्टेंस को टू टाइम इंक्रीज करूं, ठीक है, डिस्टेंस को टू टाइम इंक्रीज करूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग करके देखो कि आप लोग करो क्या कि डिस्टेंस को अब हम इंक्रीज करते हैं इंक्रीज बाय थ्री टाइम्स। अगर मैं डिस्टेंस को थ्री टाइम इंक्रीज करूं तो क्या चेंजेज आएंगे, आप लोग करके देखो। देखो क्या होगा, डिस्टेंस जो है यहाँ पे अगर f1 मैं निकालूँगा तो क्या होगा जी एम वन एम टू बाय थ्री डी स्क्वायर, ठीक है, तो जी एम वन एम टू बाय नाइन डी स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ज़ीरो बाय नाइन यानी फोर्स हमारा क्या होगा नाइन टाइम्स घट जाएगा, ठीक है। तो आप जो है सो देख रहे हो सबका कि अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ टू टाइम्स तो ये फोर टाइम्स फोर घट रहा है, अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ डिस्टेंस को थ्री टाइम्स तो नाइन टाइम फोर्स घट रहा है। अगर मैं ऐसे ही आपको पैटर्न से पता चलेगा कि अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे इंक्रीज बाय फोर टाइम्स, अगर आप डिस्टेंस को फोर टाइम इंक्रीज करोगे देन फोर्स क्या होगा, फोर्स जो है डिक्रीज हो जाएगा कितना, सिक्सटीन टाइम्स। अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे फोर टाइम्स देन जो फोर्स जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा 16 टाइम, अगर फाइव टाइम इंक्रीज करेंगे तो 25 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पैटर्न है, ठीक है। अब इस पर हम लोग दोनों एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं
कि कैसे करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज विच मासेज आर 5 kg ईच एंड डिस्टेंस 5 meter। अब देखो यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, तो ये भी 5 kg का है और ये भी 5 kg का है और इसका डिस्टेंस जो है कितना है 5 meter। ये तो बहुत ही आसान है कि न्यूटन्स का जो लॉ है उससे क्या हम जानते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम वन इंटू एम टू बाई डी स्क्वायर, यही होता है। तो जी की वैल्यू हमें पता है, कितना पता है कि ये जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10^-11 इंटू मासेस 5 × 5 और डिस्टेंस का स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो यानी ये और ये कैंसिल हो गया, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन का जो है इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल बॉडी है तो स्मॉल फोर्स लगेगा, बहुत ही स्मॉल फोर्स। चलिए हम लोग दूसरा जो है हमारा न्यूमेरिकल्स जो okay. तो अब है हमारा क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10^24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.4 × 10^22 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 3.84 × 10^5 km, तो फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ। तो सबसे पहले गिवन डाटा हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, गिवन डाटा क्या है, एम ई इज इक्वल्स टू 6 × 10^24 kg, ठीक है, और एम एम क्या है, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून, तो ये एम एम क्या है दिया हुआ है, 7.4 × 10^22 kg, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है, 3.84 × 10^15 km, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.84 × 10^8 m, ठीक है। अब हम न्यूटन्स फॉर्मूला पे लगा लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू जी, जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 × 10^-11, ठीक है, अब इनटू ये इनटू 6 × 10^24 इंटू 7.4 × 10^22 बाय 3.84 × 10^8 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तो आपको 2.1 × 10^20 न्यूटन, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, वेरी लार्ज फोर्स, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखेगा। इस वाले केस में क्या था, स्मॉल फोर्स था तो इफ़ेक्ट नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ पे वेरी वेरी लार्ज फोर्स है तो यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखेगा हमें। अब हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम खड़े हैं भाई, यूनिवर्सल लॉ का ही वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कि जैसे कि अगर अर्थ पे ग्रेविटेशन नहीं रहता तो सारे चीज़ जितना है अर्थ का वो उड़ने लगता है, स्पेस में जैसे है कि कुछ भी नीचे नहीं रहता है, सब उड़ने लगता, ठीक है। तो द फोर्स डैट बेंड्स विथ बेंड अर्थ टू द अर्थ, अर्थ से हमें बेंड्स किया जाता है, द मोशन, अब इसी मोशन के मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो मून मोशन में है ये ग्रेविटेशन के कारण है, और मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इट इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, एंड द टाइड ड्यू टू मून्स एंड द सन, ग्रेविटेशन के कारण ही ये मून्स और अर्थ, जो मून एंड सन के का ग्रेविटेशन जो है इसी के कारण टाइड्स आते हैं, टाइड्स मतलब समुद्र में जो लहरें आती है वो, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे
यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, और ग्रेविटेशन का हमने इंट्रो पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग कि जो फ्री फॉल क्या है, और फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यहाँ कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं या डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो आप कभी भी, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।